आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आजम खान की। जी हाँ, आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं, उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आजम खान से मिलने वहां कौन पहुंचा। जी हाँ, वहां शिवपाल यादव तो दिखे, वहां आजम खान के मीडिया प्रभारी तो दिखे, वहां आजम खान का परिवार दिखा, लेकिन वहां आजम खान के पार्टी के अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव नहीं दिखे, जो एक बड़ा सवाल बन गया। वहीं हम बात करेंगे आजम खान तो अखिलेश यादव की कि कहां अखिलेश यादव आजम खान को अपनी पार्टी में चाहते हैं। वहीं आजम खान कहते हैं कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा, यानी उनकी बैठक में वो नहीं पहुंचे जहां विधायकों की बैठक थी। आजम खान बड़े विधायक हैं और काफी अच्छे एक्सपीरियंस नेता हैं सपा पार्टी के, लेकिन उनके विधायक में ना पहुंचना एक निराशा जाहिर हो गई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठता है जहां आजम खान ये शब्द कहते हैं कि मैं हार्दिक पटेल नहीं हूं, यानी जिस तरह से कांग्रेस में हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया, मैं वो नहीं हूं जो मैं इस्तीफा दे दूं। मतलब एक तरफ आजम खान कहते हैं कि मैं हार्दिक पटेल नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, दूसरी तरफ वो विधायक जो पार्टी जो विधायक की बैठक हुई उसमें वो शामिल नहीं हो रहे, तो दो तरफा वो बात कर रहे हैं, क्यों एक तरफ बात नहीं कर रहे? आप कहना क्या चाहते हैं इस बारे में बताइए। तो जिस तरह से चीजें हो रही है, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी अंजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल मैं इसी से शुरुआत करूंगी, जिस तरह से हमने मुद्दों पर बात की कि लगातार आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो भी तनाव काफी समय से चल रहा है, अब बात आती है आजम खान जब रिहा हो गए हैं, सवाल ये उठता है कि आजम खान किस पार्टी में जाएंगे। लेकिन अब आप ये देखें कि जिस तरह से आजम खान जो है मीडिया के सामने बात करते हैं कि मैं हार्दिक पटेल नहीं, इसका मतलब ये साफ होता है कि वो इस्तीफे के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं इस्तीफा तो नहीं दूंगा। तो आजम खान क्या कर सकते हैं, क्योंकि बैठक में तो वो पहुंचे नहीं, तो कहना क्या चाहते हैं वो, उसके बारे में आप बताइए। जी देखिए साक्षी, यहाँ पर करीबन 2 से 2.5 साल बाद आजम खान की रिहाई हुई है, और जिस तरीके से सपा का रवैया उनके साथ जेल के अंदर रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव उनसे मिलने भी नहीं जाया करते थे, आजम खान ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही। उन्होंने कहा उन्होंने राजनीति को इतना लंबा वक्त दिया, जब वो उनकी शुरुआत राजनीति से हुई तो वो भी जेल के अंदर से हुई, और आज जब उम्र के इस पड़ाव में वो हैं तो यहाँ पर भी अब उनकी राजनीति का जो समय है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, आज भी वो जेल के अंदर से रिहा होते आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आजम खान प्रोफेशनली ही तो यहाँ पर सपा से कनेक्टेड है, लेकिन इमोशनली भी वो सपा पार्टी से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पार्टी से अलग होना एक बहुत बड़ी राय है, क्योंकि यहाँ पर आजम खान के लिए सपा एक फैमिली है, एक परिवार है, ना कि एक पार्टी और पैसा कमाने का जरिया। जी यहाँ समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपना इतना लंबा वक्त दिया है, तो कहीं ना कहीं आजम खान के लिए बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से शिवपाल यादव अगर बात कर रही है, आपके शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे थे, तो आप देखेंगे कि शिवपाल यादव भी अभी भी प्रॉपर तरीके से सपा पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, वो बस उनके चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो इतना चल रही है, और बीजेपी में जाने के उनके अभी तक भी कयास लगाए जा रहे हैं, और अभी तक भी वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या पता शिवपाल यादव आजम खान के पास गए हो और सपा पार्टी के लिए ही उन्होंने बात की हो, इस वजह से ही वो अभी तक सपा से अलग ना हुए हो। क्या पता आजम खान और शिवपाल यादव एक ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर फिर से समाजवादी पार्टी में जा रही हो। तो देखिए राजनीति है, और राजनीति में कई तरह की रणनीतियां हो सकती है, अलग अलग एंगल से हो सकती है, तो क्या पता एक रणनीति ही हो यहाँ पर शिवपाल और आजम की, कि आजम खान ने साफ कह दिया है कि मैं हार्दिक पटेल नहीं हूँ, जो मैं इस्तीफा अपनी पार्टी को दे दूं और धोखाधड़ी करके अपनी पार्टी से ही अलग हो जाऊं, और अलग होने के बाद उन पर टिप्पणियां और तंज कसूं। तो यहां पर साफ लग रहा है, जाहिर हो रहा है कि इस्तीफा तो फिलहाल आजम खान नहीं देने वाले। तो मतलब इस बात से, हार्दिक पटेल की बात से, उन्होंने ये साफ तौर पर मीडिया के सामने बात कह दी कि मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, लेकिन इस बात से अखिलेश यादव तो बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, जिस तरह से आजम खान ने इस बात को क्लियर कर दिया कि मैं जो पार्टी से इस्तीफा तो नहीं दूंगा, मैं पार्टी में ही रहूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब अखिलेश यादव के विधायकों की बैठक हुई, क्यों आजम खान वहां पर नहीं पहुंचे, उनके बेटे वहां पर नहीं पहुंचे, बड़े विधायक हैं, आपको तो वहां मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि अब जो है अब रणनीति असली स्टार्ट होगी, क्योंकि आजम खान बाहर आ चुके हैं, चुनाव का वक्त, अब क्यों अखिलेश यादव ये मौका खोने देंगे? और जिस तरह से बैठक में वो नहीं पहुंचे, यही हम बात करेंगे, इसी मुद्दों पर बात करेंगे। एक तरफ आप बोल रहे हैं आप हार्दिक पटेल नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे, एक तरफ आप बैठक में नहीं पहुंचे, इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है?
देखिए बैठक में वो भले ही ना पहुंचे हैं, विधान मंडल की बैठक में वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनको लेकर अब शपथ को लेकर आ रही है खबर कि वो कल विधानसभा जाकर शपथ लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आजम खान आज भले ही ना गए हों, क्योंकि देखिए नाराजगी जायज है, उम्र में वो अखिलेश यादव से बड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर औहदा भी उनका कहीं ना कहीं बड़ा है, तो झुकना अखिलेश यादव को ही पड़ेगा, ना कि आजम खान को, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कार भी यही कहते हैं कि पहले छोटों को झुकना चाहिए, उसके बाद ही बड़ा उनको माफ करेगा, उसके बाद ही बड़ा अपनी माफी मांगेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय संस्कृति को ही फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं आजम खान और अखिलेश यादव को। देखिए समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व यूपी से खत्म होता नजर आ रहा है, अगर उसे बचाना है तो चाचा शिवपाल और यहाँ पर आजम खान की बहुत ही बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर सपा पार्टी को होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं सपा पार्टी का मेन वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है, और अगर मुस्लिम वोट बैंक पर ही तगड़ा असर आजम खान के रेजिग्नेशन से पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी का साक्षी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी, और वो मुलायम सिंह यादव जो आज उम्र के इस पड़ाव में है वो तो इसी सदमे में उनको कोई ना कोई झटका लगता नजर आएगा, और अपने अखिलेश यादव पर भी वो इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सियासी पावर अपने बेटे को सौंप दी है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपने ईगो को साइड रखकर अगर उन्हें अपने राजनीति करियर को हवा देनी है तो यहां पर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी अपने चाचा से भी और आजम खान से भी। बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी चाचा से और आजम खान से, क्योंकि अखिलेश यादव भी देख रहे हैं कि उनकी पार्टी का इस वक्त क्या हाल हो रहा है, क्या हाल हो गया है, और इसको संभालने के लिए उन्हें बड़े कदम लेने भी पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो जेल नहीं पहुंचे। हालांकि वो अपने यहाँ से बैठकर आजम खान के लिए ये बात तो कह रहे थे कि हम आजम खान को अपनी पार्टी में उनका स्वागत करते हैं, हम कहीं उनको नहीं भेज रहे हैं, ये आजम खान के साथ हम हमेशा खड़े हैं, इस तरह की बात उन्होंने आजम खान को लेकर बार बार कही। लेकिन इसी बीच आजम खान और अखिलेश की आपसी संबंध जो है अभी तक साथ तो नहीं दिखाई दे, हालांकि कल की बात तो अभी बाकी है, अभी देखने वाली बात होगी कल की अपडेट इन चीजों को लेकर आता है, क्या आमना सामना अखिलेश यादव आजम खान का होता है। लेकिन जिस तरह से शिवपाल और आजम खान की नजदीकियां दिखाई दे रही है, ये भी हो सकता है कि कुछ नया जो संगठन है उसको लेकर वो आए, सामने आए, उसको लेकर कुछ नई चीज जो है उसकी शुरुआत करें। आखिरी सवाल मैं आपके आपसे जानना चाहूंगी और बहुत ही छोटा जवाब इस पर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव और आजम खान के बीच जो भी हुआ था, जो विवाद हुआ था, अखिलेश यादव ने जिस तरह की बात आजम खान के लिए कही, जेल से बाहर ना निकालने की बात कही, देखिए अखिलेश यादव की बात समझनी चाहिए, जब मुस्लिम वोट बैंक आजम खान की तरफ से उन्हें मिलता है जेल में रहने के बाद, वो नेता चुनाव आपके लिए लड़ता है और जीतता भी है, उसी पर आप घमंड दिखाने शुरू कर दिए और उसी नेता के लिए आप ऐसे बोलने शुरू कर दिए, तो निराशा जो है वो अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है ना आजम खान की, क्यों आजम खान अब पार्टी अंदर तो वो नाराजगी दिखा रहे थे, आपने भी देखा जेल में किस तरह की नाराजगी आजम खान ने दिखाई, बाहर आके वो बोलते मैं हार्दिक पटेल नहीं हूं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मिसमैच नहीं होती क्या? सच में इतनी बड़ी रणनीति सपा पार्टी भी हमारे साथ खेल लेगी, जनता के साथ, अपनी जनता, क्योंकि जनता सब देख रही थी जो आपसी संबंध हो रहे थे, तो अगर ये चीजें होती है, अब ये मिल जाते तो ये जनता के लिए बड़ा धोखा नहीं होगा? जी देखिए धोखा तो होगा, क्योंकि आजम खान जिस तरीके से गुस्सा और नाराजगी व्यक्त कर रहे थे और बाहर आकर वो अगर इस तरह पलट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है वो भड़कता हुआ नजर आएगा समाजवादी पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं आजम खान, देखिए दूसरी तरफ से अगर मैं एंगल से देखूं साक्षी, तो कहीं ना कहीं आजम खान ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी को उन्होंने अपनी उम्र की पड़ाव और अब उम्र का आखिरी पड़ाव दिया है, तो उस पार्टी को छोड़ना कहीं ना कहीं बेवकूफियत ही होगी, क्योंकि दोबारा किसी पार्टी से अपने राजनीतिक करियर को शुरू और अपने करियर पर दाग लगवाना, इस्तीफा देकर, कहीं ना कहीं आजम खान के लिए बुरा साबित हो सकता है। बिल्कुल आजम खान के लिए एक बड़ी बात भी हो जाएगी कहीं से एक नई शुरुआत करना, लेकिन जिस तरह से वो अब रणनीति खेल रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह का स्टेप आजम खान उठाते हैं, अगर जो भी वो स्टेप लेंगे, होता एक खेल रणनीति का ही है, पूरी कांग्रेस पार्टी हो या सपा पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, और पार्टी में रणनीति का ही खेल है जो जनता के साथ कहीं ना कहीं खेला जाता है। फिर भी जो भी अपडेट्स होंगी हम लगातार आपके बीच लाते रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, जिस तरह से आपने बखूबी हमें हर सवालों का जवाब दिया, चीजें जो है वो समझने में हमें आसानी हुई, और जितनी भी अपडेट्स होंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।